चुनाव के दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के अलावा बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान होना है। नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। इसी के साथ आज से नामांकन प्रक्रिया भी दूसरे चरण के लिए शुरू हो गई है। इस चरण के दौरान जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि 12 राज्यों की 88 सीटों पर मुकाबला होना है। इसके अलावा मणिपुर की एक सीट के कुछ हिस्सों पर भी वोटिंग होनी है। देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। 26 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज सुबह राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। वहीं बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना पहले चरण के साथ की गई थी। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा बाहरी मणिपुर की एक सीट शामिल है। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं उसमें यूपी से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। इस दूसरे फेज में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं मणिपुर की एक सीट के कुछ हिस्सों पर मतदान होगा जबकि राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होगा। त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में ही मतदान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 चरणों में 1 जून तक मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जाहिर है दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही उम्मीदवारों का नामांकन भी शुरू हो गया है और इसी के साथ इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।